इस बीच आ रही बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली से जहां पर आम जनता पर महंगाई की मार, दो दिसंबर के बाद फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई है। आम जनता पर महंगाई की मार, दिल्ली में 96 रुपए 21 पैसे लीटर हुआ पेट्रोल और डीजल। दिल्ली में 87 पैसे, तो आपको बता दें मुंबई में 110 रुपए 82 पैसे लीटर हुआ ये पेट्रोल और मुंबई में 95 रुपए लीटर हुआ डीजल। तो आम जनता पर महंगाई की मार, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें 2 दिसंबर के बाद फिर पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी हुई है। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, आम जनता पर महंगाई की मार फिर? हाँ देखिए अंजलि, बिल्कुल आम जनता पर महंगाई का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। आप पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला है, 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से इजाफा जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में देखने को मिला है। वहीं घरेलू गैस की जो कीमतें हैं एलपीजी सिलेंडर की, उसमें भी 50 रुपए जो है बढ़ोतरी देखने को मिलती हुई नजर आई है। दिल्ली में अगर पेट्रोल डीजल के दामों की बात करें तो अब 96 रुपए 21 पैसे जो है प्रति लीटर पेट्रोल के दाम पहुंच गए। वहीं डीजल के दामों की बात करें तो 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर जो है डीजल के दाम जो है पहुंच गए। इसी तरीके से पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर घरेलू गैस एलपीजी सिलेंडर की बात करते हैं तो दिल्ली में जो सिलेंडर 899 रुपए के आसपास मिलता था, वो अब बढ़कर जो है 949 रुपए के आसपास पहुंच गया। यानी महंगाई का डबल अटैक जो है अब लोगों पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल स्पर्श, और हाल ही में थोक व्यापारियों के लिए भी डीजल जो था उसमें भी बढ़ोतरी, उसके रेट पे भी बढ़ोतरी की गई थी। और जाहिर तौर पर अब आम जनता पर भी महंगाई की मार, यानी कि इसका असर जो है वो हर सेक्टर पर अब आगे पड़ता दिखाई देगा। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर चुनाव जैसे ही खत्म हुए थे लोग अंदाजा लगा रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कभी भी बढ़ोतरी देखने को मिलती भी नहीं आ सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगातार जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसके दामों में इजाफा जो है देखने को मिल रहा था। लेकिन चूंकि चुनाव चल रहे थे इस वजह से जो पेट्रोल डीजल कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी नहीं जी चलिए बहुत खत्म हो गए हैं। उसके बाद लाभ जिस तरीके से जो ये पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आई है, कितनी बढ़ोतरी होगी ये काफी बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए